आए दिन भारत कोई ना कोई नई मिसाइल बनता जा रहा है, लेकिन अब ऐसा क्या कर दिया कि सब कह रहे हैं ये चाहिए ही नहीं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या बयान दे डाला जिसके कारण भारत के करीबी दोस्त अमेरिका पर भड़के, और अब क्यों भारत की इज्जत को डुबोया जा रहा है पानी में। अमेरिका ने उठाया सबसे बड़ा सवाल, जिस वजह से भारत ने अमेरिका को दिया मुंह तोड़ जवाब। फिर कभी अमेरिका भारत की कमाई हुई इज्जत को पानी में डूबने की कोशिश फिर कभी नहीं करेगा। कुछ देशों ने तो इशारों इशारों में यहाँ तक कि यह कह दिया कि गोली किसी और को लगनी चाहिए थी, लेकिन एक अच्छे इंसान को लग गई। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यह देश किसके बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एकदम यूजलेस है, इसे लेना बहुत ही ज्यादा बेकार फैसला होगा, और इससे आप दुनिया में कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, ना ही आप अपनी सिक्योरिटी एश्योर कर पाएंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही है अमेरिका के टॉप सिक्योरिटी एनालिस्ट ने, और यह इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बयान दिया गया। और दोस्तों यह अब तक का सबसे बड़ा बयान भी माना जा रहा है। और दोस्तों भारत को अमेरिका के इस बयान से बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, और जब यह बयान रूस तक पहुंचा तो फिर रूस ने भी अपना गुस्सा जताया और कहा भारत को इन घटिया देश के साथ रिश्ते नहीं रखने चाहिए। फिर भारत ने इस पर रिएक्ट किया और बोला कि अगर हम इसे रिश्ते रखते तो यह पीठ पीछे बोलते, वैसे भी हमने अभी तक इनके साथ कोई रिश्ते नहीं रखे हैं और ना कभी आगे जाकर रखेंगे, चाहे यह पीठ पीछे वार ही क्यों ना करे। दोस्तों क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी भारत के साथ हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों अमेरिका का यह बयान यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि एक और बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में, यानी कि अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है, उसके सीनियर एडवाइजर का, उन्होंने कहा है कि यह एक बहुत ही बढ़िया सिंबल जरूर है, यानी कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी इसका ऑपरेशनल यूज नहीं है, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। वही सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां यह बयान हैरान करने वाले हैं, वही उससे ज्यादा हैरानी हो रही है इस पर आए रिएक्शन देखकर, क्योंकि जो रिएक्शन आ रहे हैं खुद भारतीय एक्सपर्ट्स की तरफ से और दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटजी की तरफ से, सब कह रहे हैं कि यह बयान 50% सही भी है। और ऐसा क्यों है, तो चलिए मैं आपको यह पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। दरअसल यह जो बयान दिया गया है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, यह भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में नहीं है। दरअसल यह फिलीपींस की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है, जो हाल ही में भारत ने फिलीपींस को बेची है चीनी नौसेना को रोकने के लिए। और इसी पर अमेरिका ने यह बात कही है कि यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी है, जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल सुपरसोनिक मिसाइल है, और इससे वह चीन को हरा देगा या टक्कर देगा। लेकिन यह असल में सिर्फ एक दिखावटी कदम है, इससे कुछ भी फायदा फिलीपींस को नहीं मिलेगा, इसका वह असल में इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। और उसके पीछे लॉजिक दिया गया है C4 तकनीक का ना होना। C4 IASR क्या है? दरअसल अमेरिका इसमें दो टर्म जोड़ता है, पहले है C4। क्या है C4? कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और कंप्यूटर, इन चारों शब्दों के शुरुआती चार सी को जोड़कर बनता है C4। दूसरा शब्द है ISR, यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकंसीज, और इन तीनों को मिलाकर बनता है IASR, और इसीलिए पूरा कहा जाता है। इसे C4 अमेरिका का मानना है कि फिलीपींस के पास यह C4 IASR नहीं है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो फिलीपींस के पास जो दक्षिणी चीन सागर है, जहां पर चीन परेशान करता है फिलीपींस को, उस इलाके का वहां पर प्रॉपर कमांड कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। फिलीपींस की नौसेना के पास ऐसे कंप्यूटर नहीं है जिसे कि वह चीन को काउंटर कर सके। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस चाहिए होती है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसेना कहाँ आती है, कहाँ वह ज्यादा एक्टिव रहती है, इसकी भी खुफिया जानकारी उन्हें नहीं है। इसके अलावा सर्विलांस सिस्टम मौजूद नहीं है, यानी कि फिलीपीन की नौसेना ने आज तक दक्षिणी चीन सागर में ऐसे जासूसी उपकरण ही नहीं लगाए हैं जिससे कि वह चीनी नौसेना का पहले से ही पता लगा सके, और ना ही इनकी वायुसेना के पास ऐसे रौनक सिस्टम मौजूद है जिससे कि वह चीन की नौसेना के उठाए जाने वाले कदम का पहले ही पता लगा ले, अंदाजा लगा ले, और उसी के हिसाब से अपनी नौसेना और अपनी वायुसेना को डिप्लॉयड में जहां चीन आने वाला है। और अमेरिकियों का कहना है कि C4 IASR कैपेबिलिटी का न होने की वजह से
ब्रह्मोस मिसाइल का वह फायदा उठा ही नहीं पाएंगे। और आसान भाषा में कहूं तो अमेरिका कहना यह चाहता है कि फिलीपींस भारत से हाथी जरूर खरीद लाया है, लेकिन वह इस हाथी का ना तो इस्तेमाल करना जानता है और ना ही इस हाथी को कैसे खिलाना है, पिलाना है, कैसे इसे रखना है यह भी जानता है, और इसीलिए इस हाथी का फायदा फिलीपींस नहीं उठा पाएगा। लेकिन क्या यह बात पूरी तरीके से है? नहीं, दरअसल यह आधी बात सही है, यानी कि 50%, क्योंकि अगर आप एक एक्चुअल युद्ध लड़ते हैं तो उसे समय यह बात सही आई जाएगी, क्योंकि C4ISR के बिना ब्रह्मोस मिसाइल का सही इस्तेमाल फिलीपींस नहीं कर पाएगा चीनियों के खिलाफ। लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में या फिर इन्फॉर्मेशन वायनरफेयर के दौरान लड़ने से ज्यादा दिखने पर जोर रहता है कि आपके पास कितनी ताकत है, और उसी हिसाब से दुनिया के देश आपके साथ दुश्मनी या दोस्ती करते हैं। उदाहरण के लिए, आप जंगल में हाथी पर सवार होकर जा रहे हैं तो आपको कोई भी खतरा या डर नहीं है, क्योंकि जंगल के जितने भी जानवर हैं सब आपसे डरेंगे कि आप हाथी पर सवार हैं या आपके पास हाथी है। अगर आप पर हमला किया या आप पर घात लगाकर अटैक किया तो हाथी आपका कचूमर निकाल देगा। यही हाल चीन फिलीपींस के बीच है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए नहीं दी है कि फिलीपींस उनका इस्तेमाल ही कर दे, चाहे तो वह कर सकता है, लेकिन मैनुअल दी गई इसलिए है ताकि चीन को यह डर रहे कि चीन के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर हमने ज्यादा परेशान किया तो एक दिन फिलीपींस चला देगा। और इसीलिए अब चीन जब भी फिलीपींस से भिड़ेगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर रहेगा कि फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, ऐसे में संभल कर लड़ना होगा। यही कारण है कि आज की मॉडर्न दुनिया दिखावटी ज्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं। अमेरिका जो कह रहा है वह बात प्रैक्टिकल सही है, लेकिन जो मॉडर्न वायनरफेयर है उसके हिसाब से आदि सही है। दोस्तों, चीन को यह मिसाइल हरा देगी या टक्कर देगा, लेकिन यह असल में सिर्फ एक ऑस्टेंटेशियस स्टेप है। इससे कुछ भी बेनिफिट्स को नहीं मिलेगा, इसका वह असल में इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। अमेरिकन्स का कहना है कि C4ISR कैपेबिलिटी का न होने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल का फायदा उठा ही नहीं पाएंगे। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए नहीं दी है कि फिलीपींस उनका यूज ही कर दे, चाहे तो वह कर सकता है। भारत और रूस की नदियों पर नाम ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम भारतीय ब्रह्मपुत्र और रूसी मोस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया है। इसे भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम में संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जिसे भारत में बनाया जाने लगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। यह ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से उड़ान भरती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे गिराना मुश्किल हो जाता है। अगर दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो वैसे आप सभी की क्या राय है, वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पर मिलती रहे। तो चलो, हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल जरूर से रख पाए।